भाई डोसा बनाने के लिए मैंने बैटर तैयार कर लिया है। अब बैटर तैयार करने के बाद आलू बॉईल कर लेंगे, जो मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। अब बनाएंगे सांभर। सांभर बनाने के लिए गाइस मैंने लिए हैं लौकी और बैंगन, अगर आप चाहें तो कद्दू भी ले सकते हैं, मैंने कद्दू की नहीं लिया है, जिसको सीताफल बोलते हैं। तो गाइस सांभर बनाने के लिए मैंने दो बैंगन कटिंग करे हैं और बैंगन को पहले पानी में भिगो लेंगे और धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद पानी में भी भिगोलेंगे और पानी में ही काटे जाते हैं बैंगन, क्योंकि आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि गाइस मैंने पानी में ही बैंगन को काटा है और बैंगन पानी में काटने से काले नहीं होते हैं, और लौकी को भी काट लिया। और सांभर बनाने के लिए गाइस आप मैंने दाल ली है तुअर की दाल। तुअर की दाल को गाइस अरहर की दाल बोलते हैं, तो ये अरहर की दाल मैंने एक कटोरी छोटी कटोरी ली है। तो गाइस सांभर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सब प्याज जो भी अवेलेबल आपके पास हो, आप चाहें तो सीताफल भी ले सकते हैं कद्दू, और धो लेंगे इसको, दो तीन पानी से धो लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि हरी सब्जी है, हरी सब्जी में थोड़ा सा नमक डाल के फिर इसको अच्छे से धो लेंगे। धोने की क्वांटिटी पानी की आप जानते ही हैं, 3 से 4 पानी से धोना है, हरी सब्जी को ज़्यादा पानी से ही धोया जाता है। तो गाइस इसको धो लेते हैं और दाल को भी धो लेते हैं और मिलते हैं धोने के बाद। सो गाइस सब्जी को धो लिया है दो तीन पानी से तरीके से। तो गाइस सांभर बनाने के लिए कुकर लेंगे और कुकर में डाल देंगे सब्जी और इसमें डाल देंगे दाल। तो गाइस दाल भी इसमें ऐड कर दिया। तो सांभर वाली दाल गाइस आप डेली में भी बना के खा सकते हैं, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो बताना। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून, आधा टीस्पून से कम लाल मिर्च पाउडर, 2.5 गिलास पानी, तो समथिंग 2.5 से 3 गिलास तक पानी इसमें डाल दिया है। इसमें लगा देंगे ढक्कन, गैस को ऑन करेंगे, इसको रख देंगे कुकर। सो गाइस कुकर में सीटी आ जाए तो इसमें समथिंग 4 सीटी लगानी है। तो मिलते हैं गाइस 4 सीटी लगाने के बाद। आप देख सकते हैं कि गाइस कुकर में सीटी है, गैस को हाई फ्लेम पर कर लिया है। तो मिलते हैं गाइस आधे घंटे के बाद। तो गाइस आधा घंटा हो चुका है, मैंने कुकर को खोल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि सांभर कैसी बनी है और इसमें लौकी और बैंगन के जो पीसेस हैं इसमें मथानी लगा देंगे। तो गाइस सांभर को इस तरीके से मथानी से मच देंगे ताकि इसके जो पीसेस हैं वो मिक्स हो जाए। सांभर में डालेंगे गैस खड़ी खटाई, चाहे तो पिसी भी ले सकते हैं, और मैंने लिया है गैस सांभर मसाला, वो इसमें डाल देंगे। आधा पाव समथिंग, पूरा नहीं डालना है, पूरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट बार मैंने सांभर बनाई थी तब यूज़ किया था, आधा पाउच है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। अब खटाई इसमें जो डाली है इसमें बॉयल आने के इंतजार करते हैं, जब तक कि इसमें बॉयल आ रहा है गैस को दूसरी गैस पर रख देंगे और उसके लिए सांभर के लिए बना ले रहे हैं तड़का। तो तड़का बनाने के लिए क्या करेंगे, बस सांभर को दूसरी गैस पर ऑन करके रख दूंगी। तो गैस पर मैंने रखा है तड़का लगाने के लिए नॉनस्टिक तवा, और इसमें डालेंगे ऑयल, इसमें डालेंगे क्योंकि मैंने कड़वा तेल लिया है, कड़वे तेल से तड़का लगाएंगे, और इसमें डाला है 1 चुटकी नमक। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें डालेंगे राई, तो राई गाइस कूदने लगती है तो गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है, नहीं तो राई सांड अप करेगी। और इसमें डालेंगे जीरा, गैस को ऑफ कर देंगे, और इसमें डालेंगे हींग, लाल मिर्च पाउडर। गैस को ऑफ कर दिया है, तड़का रेडी है, जिसमें चाहे तो आप करी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, करी पत्ता अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अब ये सांभर भी खोल चुकी है, इसमें डाल देंगे तड़का, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि सांभर थोड़ी सी पतली होती है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। तो सांभर का जवाब अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आपको ज़्यादा पतली पसंद है या डार्क पसंद है, तो सांभर तो गाइस पतली ही, ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से परफेक्ट सांभर बन चुकी है। अब इसमें खोल लगा लेंगे, सांभर इस तरीके से आप बना सकते हैं।
चलिए अब इसको सांभर को सर्व कर लेते हैं। सो गाइस सांभर बनके रेडी है। इस तरीके से आप बना सकते हैं सांभर, और चाहे तो आप डेली यूज में भी इस तरीके से आपको अच्छा लगे तो सांभर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसमें जो सब्जी के पीसेस जो अच्छे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस सांभर इस तरीके से आप घर में बना सकते हैं और सांभर रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं डोसा बनाने के लिए। गाइस आलू भी मसालेदार आलू भी तैयार हो गया है और सांभर भी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो सांभर की रेसिपी आपको गाइस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। मैंने जैसे कि अभी पहले कहा था कि हमें कमेंट अगर अच्छा लगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य बोलूँगी।